सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, पेटीएम एयरटेल के बाद अब जियो भी अपना पेमेंट बैंक लॉन्च करने वाला है, जिसकी औपचारिक घोषणा कल ही जियो ने कर दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जियो पेमेंट बैंक से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। आखिर कितना इंटरेस्ट जियो अपने पेमेंट्स बैंक पे सारे कस्टमर को देने वाला है और क्या क्या सुविधाएँ जो है जियो अपने पेमेंट बैंक में ला रही है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जियो ने जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर में उतरने के बाद सारी टेलीकॉम कंपनियों की छुट्टी कर दी, चाहे वो फिर आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे फिर वो एयरटेल हो, उसी तरह हम आशा करते हैं कि जियो के पेमेंट्स बैंक में उतरने के बाद, बैंकिंग के क्षेत्र में उतरने के बाद काफ़ी धमाल मचाने वाला है। चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो, चाहे फिर वो अन्य बैंकिंग सुविधाओं की बात हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इंटरेस्ट शायद मिलने वाला है अन्य पेमेंट बैंक की अपेक्षा, चाहे वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों, जियो को लाइसेंस आरबीआई की तरफ से 2016 में ही मिल गया था। इसकी जो जियो की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि जियो को 2016 में आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिल गया था पेमेंट बैंक शुरू करने का। तो कल ही जो मुकेश अंबानी ने ये घोषणा कर दी है कि जल्दी ही हो सकता है 2019 तक जियो का पेमेंट बैंक लॉन्च हो जाए। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। तो दोस्तों, जो अभी तक सूचना मिली है उसमें यही बताया गया है कि 18 साल के ऊपर जितने भी बंदे हैं, चाहे वो फिर सीनियर सिटीजन हो या फिर 18 साल के ऊपर जितनी भी उनकी एज हो, वो सभी लोग जो है वो अपना जियो में पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि अगर हम जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो फिर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक जियो की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और बात की जाए मिनिमम बैलेंस की, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो मिनिमम बैलेंस का सबसे बड़ा लोचा होता है। तो जियो ने इस बारे में बताया है कि जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। आप जीरो अकाउंट से भी जीरो बैलेंस से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे अदर बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको विभिन्न तरीके की फैसिलिटीज मिलती है, उसी प्रकार जियो पेमेंट बैंक भी अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको जैसे सभी बैंकों में फैसिलिटी मिलती है, उसी प्रकार इसमें भी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कि आपको SMS बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इसके अलावा चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट इत्यादि सारी जो फैसिलिटी अदर बैंक में मिलती हैं, वैसे ही फैसिलिटीज आपको इसमें जियो पेमेंट बैंक में भी मिलेगी। दोस्तों, जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास जियो का नंबर रहना जरूरी है, और अगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा जो भी अतिरिक्त अदर बैंक में शुल्क लगते हैं वो भी आपको जियो की वेबसाइट पर बताया गया है कि कोई अतिरिक्त शुल्क जो है कस्टमर से नहीं लिया जाएगा, चाहे वो फिर इंटरनेट बैंकिंग का, SMS बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, तो जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर भविष्य में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो भी आपको फिर से अपना अकाउंट जो है ओपन करने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। वही अकाउंट जो आपका इनएक्टिव हुआ है, वही अकाउंट आप फिर से उसमें बैलेंस डाल के ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क जो है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा कदम है जियो की तरफ से। हो सकता है आने वाले दिनों में 2019 तक ही जो है ये संभावना जताई जा रही है कि जियो का पेमेंट बैंक लॉन्च हो जाए। तो आने वाले दिनों में जितने भी पेमेंट बैंक हो, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक हो, सबको बहुत ही कड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में अपने तहलका मचाया है, उसी तरीके से हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में उतरते ही वो आपको कुछ ज़्यादा ही तोहफे देने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग के मन में कोई भी जियो पेमेंट बैंक को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वाले, अपने सभी फैमिली के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब के अलावा आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।